अच्छा, रंजीत यादव के पास इनविटेशन नहीं आएगा फिर भी जाएंगे राम मंदिर देखने, ऐसा बोल रहे हैं? जरूर जाएंगे, श्री राम किसी का खरीदा हुआ नहीं है। स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्री करवा लिए, जैसे खेत रजिस्ट्री होता है उसे रजिस्ट्री करवा लिए कि राम जी उसी नहीं उन्हीं का है। मैंने गलत थोड़े ही बोला था, मैं तो श्री राम का खुद भक्त हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम मरने के बाद मुंडन नहीं करवाए, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाए। मोदी का बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम सनातन धर्म की बात बता रहे हैं। बेटी को बढ़ाना है, पढ़ाना है, बचाना है, और उसी बेटी को लात मार के भगा देना, खोजना भी नहीं है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं रंजीत जी। रामलला का दर्शन मैं भी करूंगा, ऐसा थोड़े है कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन मंदिर बनाइए, लेकिन हॉस्पिटल भी बनाइए, अच्छे स्कूल का व्यवस्था करिए। जो महंगाई चरम सीमा पे है, जो रुपया गिर रहा है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। किसी का पैर कटेगा तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर का पुजारी थोड़े उनका इलाज कर देगा। देश के भविष्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गलत क्या बोले, जिस पे विपक्ष लोग उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है अत्री विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं युवा विधायक हैं रंजीत कुमार उर्फ अजय यादव, और ये अक्सर आते हैं और विभिन्न मुद्दों पे वार्तालाप करते हैं। और आज जो मुद्दा है वो काफ़ी हट करके है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मोदी उसका उद्घाटन करेंगे ऐसा चर्चा है। और कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव इसी के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिए हैं, जिसको लेकर के जो बिहार की राजनीति है वो गर्माई हुई है। वैसे तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति एकदम गर्म हुआ है। सबसे पहले तो स्वागत है रंजीत जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। कैसे देखते हैं रंजीत यादव जी, आपके जो नेता हैं एक स्टेटमेंट दे दिए हैं, और उस स्टेटमेंट को बीजेपी वाले इतना मतलब कि हाईलाइट कर रहे हैं जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। कुछ दिन पहले झंझारपुर में तेजस्वी यादव अपने सभा को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि क्या आपका पैर टूटेगा तो मंदिर जाइएगा, भूख लगेगा तो मंदिर में जाकर के पुजारी से खाना मांगिएगा, और उसके बाद से आपके नेता को सब लोग घेर लिए हैं। मेरा कहना है पत्रकार महोदय जी कि सच्चाई कहना बुरी बात है, तो सारे लोग जानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और कोई भी जो कम दिमाग का भी व्यक्ति होगा, अगर हमारे नेता जी झंझारपुर में बोले हैं तेजस्वी भैया, अगर आप ही पत्रकार महोदय हमको ये बता दीजिए, बिल्कुल भगवान न करे ऐसा हो, अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे नेता ने गलत क्या बात बोला? हमारे नेता ये आस्था के ऊपर नहीं बोले, वो फिर बाद में भी बोलते हैं कि हम मुड़ना करवाने के लिए गए थे तिरुपति। मेरे नेता जो हैं सभी धर्म को मानते हैं, वो सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, और तरीके के जितने भी धर्म हैं उस सारे में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो सच्चाई बात है, हमारे नेता ने जो सच्चाई बात बोली है वो गलत थोड़े ही बोले हैं। अगर किसी का पैर कटेगा तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर का पुजारी थोड़े उनका इलाज कर देगा। भूख लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि घर पे जा करके खाना खाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे भविष्य वर्तमान और भूत में बहुत सारे वक्त आएंगे, लेकिन जो बीत गया समय, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा है, और ऋषि मुनियों को छोड़िए जिनको हम देवता मानते हैं, उन्होंने कहा है कि कर्म ही धर्म है। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि हमारे वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने कहा था कि तुम कर्म पार्थ किए हुए जाओ,
फल की चिंता मत करो, और जो कर्म है, अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे बीमार पड़ेंगे और हम डॉक्टर के पास में कर्म नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं, इलाज नहीं करवाएंगे, तो ऐसे बैठे बैठे हम तो कर्म चले जाएंगे और ज़्यादा तबीयत खराब होगा और ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी। बिल्कुल। तो हमारे जो इस देश के भविष्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गलत क्या बोले जिस पे विपक्ष लोग उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं? विपक्ष लोग को क्या कहिएगा जो ऐसा मतलब कि बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि भारत में राम मंदिर बने? मंदिर बनाइए, मुझे भी कहना है, हमारे नेता भी बोलते हैं, लेकिन मंदिर बनाइए, लेकिन हॉस्पिटल भी बनाइए, अच्छे स्कूल का व्यवस्था करिए। इस देश में जो महंगाई चरम सीमा पे है, जो रुपया गिर रहा है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। और हम लोग को जो आर्थिक संकट पूरे देश में आ रहा है, जिस प्रकार से जो मामूली गरीब व्यक्ति किसान जो सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, महंगाई के कारण हरी सब्जी नहीं खा पा रही है, जिस प्रकार से आप आए होंगे तो पेट्रोल भरवाए होंगे जरूर मोटरसाइकिल में, जिस प्रकार से रेट बढ़ गया, मुझे तो याद है जब मैं पढ़ने जाता था तो 27 रुपये पेट्रोल था। और पता कर लीजिएगा कच्चे तेल का दाम जो विदेश से आता है बहुत कम रेट में आता है, लेकिन सरकार उस पे टैक्स बढ़ा के लगाई हुई है और देश में महंगाई बढ़ रहा है। और महंगाई बढ़ने का कारण है पत्रकार महोदय, बहुत सारे इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपति हैं जो बड़े बड़े, बहुत सारे उद्योगपति लूट लूट कर इस देश से विदेश में जाकर बस गए। एग्जाम्पल के तौर पे नीरव मोदी, एग्जाम्पल के तौर पे विजय माल्या, और वैसे बहुत सारे हैं जो बीजेपी से संबंध रखते थे। अरुण जेटली जी स्वर्गवास कर गए, उनकी आत्मा भगवान उनको शांति रखें। बहुत लोग ने बोला कि नीरव मोदी का कितना गहरा संबंध था, तो मुझे ये कहना है कि हमारे देश का पैसा लूट कर ले जाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था कि मैं काला धन लेकर आऊँगा, आज तक तो नीरव मोदी को नहीं लाए, विजय माल्या को नहीं लाए, और बहुत सारे लोग जो यहाँ से पैसे लूट लूट कर भागे, लोन ले कर भागे, RBI को कंगाल करके गए, उसको नहीं ला पाए। ये काला धन क्या लाए? इनके पास तो समय मिला 10 साल, समय मिला, 10 साल का अंतिमा है, लेकिन आज भी गरीब व्यक्ति मजबूर हो गए हैं। और जहाँ तक राम मंदिर का बात है, मैंने ये कभी नहीं कहा मंदिर के खिलाफ, जो नेशनल चैनल पे चलाया गया, मैंने ये कभी नहीं कहा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और पुरुषों में उत्तम थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे बलवान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, अपनी पत्नी के चलते युद्ध लड़े। और बाकी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर भाजपा वाले लोग अपने मुद्दे हटा के फिर मंदिर पर ले आएंगे। अच्छा, क्या लगता है रंजीत जी, बिहार में जिस प्रकार से जो सरकार है नौकरियां दे रही है, मेडल लॉ उसके तरफ से नौकरी दी जा रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष वाले बिजली तो नहीं है? हम इस बात पे भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि जो आप ट्रेन फ्री कर दिए वोट के फेरा में कि हमको वोट मिलेगा, सब लोग को ले जाएंगे, लोग वोट देंगे, जितना संख्या होगा, जितना प्रचार होगा, वोट अच्छत बांटे हुए चल रहे हैं, एकता वो घर में अच्छत पहुंच रहा है, अच्छत पहुंच रहा है। आप हमको बताइए,
हम मंदिर का भेलना नहीं करते हैं, हम लोग भी सनातन धर्म से हैं, दीपावली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, होली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, सारे पर्व को मनाते हैं, चैती दुर्गा जी हो, कार्तिक दुर्गा जी हो, सारे चीज को हम लोग करते हैं। तो क्या हम लोग सनातन धर्म से नहीं है? सनातन धर्म से वो व्यक्ति नहीं हो सकते हैं जो पिता के मरने के बाद अपना मुंडन नहीं करवाते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाते हैं। सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल, और सारे लोग करते हैं, हम लोग पूरे देशवासी। माँ मरने के बाद मुंडन नहीं करवाए, दाढ़ी मूछ नहीं बनवाए। मोदी का बात तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम सनातन धर्म की बात बता रहे हैं, बिल्कुल। और अगर हम अपना संस्कार सनातन धर्म का भूल जाएं, तो अगर मेरी माँ तो स्वर्गवास कर गई, स्वर्गीय कुंती देवी, अगर वो रहती तो हमको घर के अंदर घुसने नहीं देती कि तुम नहा के आओ, सर मुंडन करवा के आओ, छुटका उतार के आओ। ये सनातन धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। मुस्लिम लोग का अपना धर्म है, चालीसवां मनाते हैं, वो लोग भी अपना धर्म अपनाते हैं। सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म अपनाते हैं। और मैंने गलत थोड़े ही बोला था, मैं तो श्री राम का खुद भक्त हूँ, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हम डेली ये गाना सुनते हैं, हम अपना शुरुआत दिन का करते हैं तो हनुमान चालीसा और इस गाने से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो यही सब गाना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत इसी से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो ट्रेन फ्री कर दिए अब धर्म के नाम पे, वोट के नाम पे, जो व्यक्ति बेरोजगार लड़का जो पूरे देश में जगह जगह जाकर कंपटीशन दे रहा है नौकरी पाने के लिए, जो बेरोजगार लड़का दौड़ रहा है पुलिस में भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए, नौकरी पाने के लिए, वो टिकट कटवा रहा है। अगर टिकट नहीं भी बामुश्किल उसके पास पैसा नहीं है, टिकट नहीं कटवाया तो उसको टीटी पकड़ कर जेल में डाल दे रहा है, बिल्कुल। तो आप ये हमको बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री का भी ये सोच होना चाहिए कि बेरोजगारी को हमको दूर करना है। बेरोजगार को हमको जिस प्रकार से राम मंदिर, रामलला के दर्शन के लिए आप ट्रेन फ्री किए हैं, उन लोग के लिए भी ट्रेन फ्री कर दीजिए कि जो स्टूडेंट जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, भर्ती में जा रहे हैं दौड़ने के लिए, वो लोग का भी बेरोजगार है, पैसा कहाँ से लाएगा, उन लोग नौकरी करेगा तब तो वो ट्रेन का टिकट पकड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ट्रेन फ्री नहीं है, और घर 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 से खोज के जबरदस्ती अच्छत पहुंचा के और निमंत्रण दे रहे हैं कि ट्रेन फ्री है, चलिए रामलला का दर्शन मैं भी करूंगा, ऐसा थोड़े है कि मैं नहीं करूंगा। रामलला जो बोल रहे हैं वो लोग तो 1000 के स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्री करवा लिए, जैसे खेत रजिस्ट्री होता है उसे रजिस्ट्री करवा लिए कि राम जी उन्हीं का है। राम जी पूरे देश के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके आचरण पे चलना चाहिए, उन लोग को उनके आचरण पे चलते तो आज देश राम राज्य रहता। लेकिन आचरण पे नहीं चलने के कारण ये राजनीति केवल हो रहा है। अच्छा, रंजीत यादव के पास इनविटेशन नहीं आएगा फिर भी जाएंगे राम मंदिर देखने, ऐसा बोल रहे हैं? जरूर जाएंगे, श्री राम किसी का खरीदा हुआ नहीं है, किसी के बाप का नहीं है श्री राम। श्री राम जी सबके हैं, सबके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जग होता है वो पति पत्नी को बैठना पड़ता है साथ में, तब जग पूरा होता पूरा है, होता है हाँ। चाहे घिड़हारी आप करिए घर में, पति पत्नी को साथ में गठजोड़ होता है तब घिड़हारी होता है। अब पता नहीं पत्नी का वैल्यू ही इस जमाने में खत्म हो गया है। नारा दे रहे हैं बेटी बड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बढ़ाना है, पढ़ाना है, बचाना है, और उसी बेटी को लात मार के भगा देना, खोजना भी नहीं है। बहुत बड़ा बात बोल रहे रंजीत जी, बड़ी बात नहीं है। जो मैंने पढ़ाई किया, जो लोगों से संस्कार सीखा, जो सनातन धर्म हम देखे, उसमें महिला का नाम सबसे पहले लिया जाता है, बिल्कुल। कभी भी ये नहीं बोला गया कि राम सीता, हमेशा बोला जाता है सीता राम, सीता राम। जितने वृद्ध नहाते हैं ठंड भी लगता है, धूपा में बैठते हैं तो
जाप करते रहते हैं सीताराम राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो महिला का सबसे बड़ा वैल्यू है, ये पूरे दुनिया का सृष्टि का संचार देवी जी करते हैं। बिल्कुल। और महिला ही करती है, पुरुष नहीं संचार करता है, पेट में पुरुष नहीं बच्चा को पालता है, महिला पालती है, महिला दुनिया का संचार करती है, सृष्टि की रचना करती है। तो सिर्फ जय श्री राम क्यों, सिया राम भी हो सकता है। अब जैसे में हम सुने थे आपके ये जो नेता हैं अभी कांग्रेस में चले गए मुंगेर के, देखिए उनका नाम हम भी भूल रहे हैं, पूर्वांचल के जो नेता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं व्यक्ति और बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ। मैं उनका भाषण सुन रहा था और उनको कहना था, एक लड़की ने उनसे जवाब पूछा था कि वन नेशन क्यों नहीं होना चाहिए, वन चीज सब कुछ क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा जो जन्म हुआ है मेरे माँ पिता के कारण हुआ है, मेरे पिता सिर्फ अकेले जन्म नहीं दे देते, माँ पिता के जरूरी है, वहाँ भी दो है, कॉन्स्टिट्यूशन है देश में, बहुत सारे नियम है, एक नियम नहीं है, भावना है, पत्रकार महोदय का भावना अलग होगा, मेरा भावना अलग है, सबकी भावना अलग होता है, सबका सोच अलग होता है। तो मेरा जो सोच है मैं अपने सोच को रखा, मैं खुद भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, और शिव बिना शक्ति के पूरा नहीं होते, इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है, आधे पार्वती आधे शिव, तब वो पूर्ण होते हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि वैसे व्यक्ति को ये सब चीज में शामिल होना चाहिए जो आधा है, पूर्ण नहीं है। बिल्कुल। किनके बारे में बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और मैं अपने जिंदगी में बचपन से जब पढ़ा हूँ तो मैं पूरे भाजपा के हम बुराई नहीं कर रहे हैं, मेरे जिंदगी में जब मैं पढ़ता था मैं भाषण सुनता था तो इस देश में बहुत सारे नेता हुए, लेकिन जो अटल जी नेता हुए वैसे व्यक्ति का क्षमता, वैसा नेता इस देश में होना चाहिए था, वैसा नेता बनना चाहिए था, और उन लोग को सीख लेनी चाहिए अटल जी से कि वो देश के लिए कार्य करते थे। परमाणु परीक्षण का रोक सारे लोग, नाटो पूरे मिल्क लगाए, अमेरिका पूरे मिल्क लगाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री निडर थे अटल जी, परमाणु परीक्षण करके उन्होंने साबित किया कि परमाणु हथियार हम लोग के पास में भी है, हम लोग बड़ा नेशन है। बिल्कुल। और उन्होंने कभी जात पात पर राजनीति नहीं की, वो जो भी बोलते थे सच्चाई बोलते थे। और उन्होंने हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने वहाँ जाकर चेतावनी दी थी कि अपना राज्य धर्म को छोड़ो मत, लेकिन जो लोग उनकी बातों को नहीं माने, राज्य धर्म को त्याग दिए और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, विकास के नाम पे नहीं कर रहे हैं। कितने किसान मरे किसान आंदोलन में कितने मरे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चूँ तक नहीं किए। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मैं वीडियो देखा, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत मान सम्मान उनके प्रति भी है, लेकिन कुछ कुछ आदर्श व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार से अटल जी के बारे में बताया, हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिनका नाम कभी भूला नहीं जा सकता है, जिन्होंने गरीबों को उठाकर उनको हक दिलाने का काम किया, रास्ता दिखाने का काम किया, जो हम लोग ब्लॉक जा रहे हैं, चाहे जितने भी लोग अपने अधिकार मांगने जा रहे हैं, वीडियो के पास में अड़के बोल रहे हैं, उन्होंने सिखाया सबको, ब्लॉक जाना सिखाया सबको, अनुमंडल जाना सिखाया, जिला जाना सिखाया, वो जो अधिकार समझाए गरीबों को वो सब भूला नहीं जा सकता है। वैसे नेता इस देश में होनी चाहिए। हम हाल ही में देखे, वीडियो में देखे, मीडिया पे देखे, टीवी पे देखे,
लगता है जो कैमरामैन था, लगता है देश का सबसे बेहतरीन कैमरामैन था। मोदी जी जब मालदीव गए और साल एकदम चादर ओढ़ के और बीच में वाक करके, पता नहीं बीच पर वाक करके क्या सोच रहे थे, और जो फोटोग्राफर इतनी अच्छी से फोटो ली, उस फोटोग्राफर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं भी इस देश का वासी हूँ, नेतृत्व करता हूँ एक छोटे से क्षेत्र त्रि विधानसभा जिला गया का, तो मैं प्रधानमंत्री से, मेरा वाजिब है हर व्यक्ति वो मन की बात करते हैं, तो हमारे मन में भी बात कुछ उत्पन्न होती है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब बीच पे घूमते हैं आप, ताजगी हवा लेते हैं, स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस देश का स्वास्थ्य कौन ठीक करेगा? जब मणिपुर में दंगा हो रहा था, मणिपुर में लोग मर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, आप चुनाव प्रचार में लगे हुए थे या विदेश यात्रा कर रहे थे, एक शब्द उस पे बोले नहीं, ना वहां गए आप, तो हमको बताइए कि बीच पे आपको घूमना ज्यादा जरूरी था और फोटो खिंचवाना जरूरी था, कि आप मणिपुर में जाके लोगों को बोलते और लोगों को समझाते, सद्भावना देते, संतावना देते, जो हो गया उसको आप उसको कंट्रोल करते, सारे प्रशासन को लगाते, दंगा बंद करवाते, लेकिन मणिपुर के एक फौजी ने बोला कि कारगिल के युद्ध में मैं था और कारगिल युद्ध हम लोग ने जीता, लेकिन अपनी पत्नी का अस्मिता और जान नहीं बचा पाया, अब इस देश का फौजी जब इतना दुखी है, मणिपुर इतना दुखी है, तो आप किस प्रकार से वो ताजी हवा और बीच का लुत्फ उठाते हैं? ये तो प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। काम नहीं है राम।